बनवाने को कार्य में और ज्यादा तेजी लाने का दिशा निर्देश बिहिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने अपने बैठक में कहा। बैठक में आशा कार्यकर्ताओं को कई दिशा निर्देश देते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि गांव के हर लोगों को जन अमृत प्रमाण पत्र बनाने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए। बिहार सरकार की कई योजनाओं के बारे में भी इस बैठक पर चर्चा की गई। जैसा कि आप लोग जानते हैं, थोड़ा देर शांत रहिए। 10-15 मिनट का वो कार्यशाला है, तो आप लोग को भी जल्दी छोड़ दिया जाएगा। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि आज के कार्यशाला का उद्देश्य है, थोड़ा बात आपस में मत कीजिए। प्राथमिक स्तर पे, गांव के स्तर पे आप लोग अपने अपने क्षेत्र में बीमारी का सारा जन्म मृत्यु का विश्लेषण करेंगे तो लोग को परेशान कम होना पड़ेगा। तो इसके लिए एक तो जागरूकता भी फैलाना है और 100% रजिस्ट्रेशन को भी फोन कराना है। जैसे आप लोग सभी चीजों में अब तो टीकाकरण से लेकर अधिकतर जो छोटे बच्चे हैं उसमें तो आपका रोल ही है। अब एक अतिरिक्त रूप से मृत्यु वाले में भी ध्यान देना है। नवजात जन्म, नया जन्म है, उसमें तो आप लोग टीकाकरण के लिए कई तरह के स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के लिए घर घर घूम के उसका सर्वे कर रहे हैं। तो जब सर्वे कर रहे हैं उस समय बोलिए कि आप इसका रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, अनिवार्य है और इसके कई लाभ हैं। बाद में आपको सेविकाओं के बीच में आपके द्वारा कार्यशाला लगे, क्या क्या इसमें जानकारी दीजिए सर। आर्थ एवं सांख्यिकी विभाग के द्वारा ये कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में 21 दिन के अंतर्गत अपने पोषक क्षेत्र के लिए जो आंगनबाड़ी सेविका हैं वो रजिस्ट्रार हैं जन्म और मृत्यु दोनों के लिए, तो ये 100% को और इस संबंध में उनकी जानकारी या उनकी समस्याएँ सुनी जाए और उनके जानकारी को बढ़ाया जाए, इसके लिए कार्यशाला आयोजित है। इस संबंध में जो हमारे जिला स्तरीय पदाधिकारी और ट्रेनर हैं वो भी जानकारी देंगे।